सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और वंदे मातरम का ये नारा जिनको दर्द देता हूँ उनको मैं इस मन से इंकलाब जिंदाबाद कहती हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम हर नारा हमारे लिए सम्मानजनक है। और क्रांतिवीर भगत सिंह को मैं इस मंच से भगवा प्रणाम पेश करती हूँ। आज मैं श्रुति अग्निहोत्री एबीवीपी से वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आप सभी का इस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वागत करती हूँ जेएनयू में आए पहली बार उन छात्रों का जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बने हैं, और साथ ही साथ उनका मैं स्वागत करते हुए ये भी कहना चाहती हूँ कि यही कम्युनिस्ट थे जिन्होंने तुम्हारे इंटेलेक्ट पे क्वेश्चन किया था, कहा था ये रट्टू तोता आने वाले हैं एमसीक्यू एग्जाम से। आज मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ गाँव सुदूर क्षेत्रों से आने वाले उन छात्रों के साथ जिन्हें उम्मीद कैंपस आने से पहले ही इन इंटेलेक्चुअल्स ने रट्टू तोते का तमगा दिया था। आज मैं उन सभी छात्रों के साथ उनकी आवाज बनकर खड़ी हूँ। आज मैं आवाज बनकर खड़ी हूँ जगन मोहन रेड्डी की, जिनको 1982 में कलकत्ता विश्वविद्यालय वारंगल में मार दिया जाता है क्योंकि उनका गुनाह होता है कि वो कैंपस में 26 जनवरी को तिरंगा लहराना चाहते हैं। आज मैं आवाज बनकर खड़ी हूँ मास्टर की, जिनको क्लास में क्लास 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के सामने यही कम्युनिस्ट यही खूनी दरिंदे मार देते हैं, और आज ये डेमोक्रेसी की आज मैं बात करती हूँ याद करती हूँ 9 फरवरी को फिर से जेएनयूएसयू के एक्स प्रेसिडेंट अफजल गुरु की तस्वीर हाथ में लेकर पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले व्यक्ति का साथ देते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। आज मैं उनको इस मन से कंडेम करती हूँ। आज मैं फिर वही बात करती हूँ। आज मैं रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स। दिस इज नॉट डेरोगेटरी रिमार्क। जब साबरमती में भारत को तोड़ने के नारे लगे थे वो डेरोगेटरी था, उसका कंडेमनेशन डेरोगेटरी नहीं है। इसी प्लीज डिफ्रेंशिएट करना सीखे, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। दोस्तों जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं 1977 से लेकर 2002 तक 55,000 पॉलिटिकल मर्डर्स करने वाले लेफ्टिस्ट अलायंस आज इस कैंपस में डेमोक्रेसी के नुमाइंदे बनकर घूमते हैं, जो इन द नेम ऑफ लव मूवी स्क्रीनिंग के दौरान गाय का पैर तोड़ देते हैं, उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। आज वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जो लोग EUGBM में वीडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं अलाउ करते वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पूछना चाहती हूँ हांगकांग में जब आज डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है तो तुम्हारे जो लव आजाद है वो कैद क्यों हो जाते हैं? डेमोक्रेसी की बात करने वालों से आज मैं पूछना चाहती हूँ जब जेएनयू में तुम पिछले बार पोस्ट इलेक्शन वायलेंस करते हो, एक विकलांग व्यक्ति को रात के अंधेरे में मारते हो, तब तुम्हारी डेमोक्रेसी कहाँ चली जाती है? दोस्तों ये बोलते हैं आइडिया ऑफ जेएनयू। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी देयर इज नो वन आइडिया ऑफ जेएनयू, देयर आर आइडियाज ऑफ जेएनयू। जेएनयू सिर्फ एक विचारधारा का गण नहीं, सभी विचारधारा। और जो लोग नारे लगाते हैं कि मान्यता है लाल किले पर लाल निशान, उनसे मैं बोलती हूँ लाल किले पर लाल निशान क्या मांगोगे? जेएनयू का रंग भी तिरंगा है, तुम्हारा लाल ही सपने से जाग जाओ। आज ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, उनका जनरल सेक्रेटरी क्या कमेंट लिखता है जाके फेसबुक पे चेक करो। सेव वॉटर एंड बेक विद नेबर्स डॉटर, और आज उन्हीं के अलायंस पार्टनर DSF जो कि 24/7 गोल्ड फेमिनिज्म की बात करते हैं इस पर मौन रह जाते हैं। GS कैश की बात करने वालों 1996 में अगर GS कैश तुम्हारे संघर्षों का नतीजा था तो उसका पहला स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव SL चौमन सेंटर से सुमन सिंह कैसे ABVP का एक्टिविस्ट निकल जाता है? आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वो हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसने GS कैश को नलीफाई किया और कहा 31 पेंडिंग केसेस को ICC और GS कैश मिलकर सॉल्व करो, आज तक तुम उन केसेस पर मौन क्यों?
क्यों हो, जवाब दो। हाँ, तुम कहते हो जेएनयू जवाब पूछ, जेएनयू प्रश्न पूछता है। मैं कहती हूँ जेएनयू एक रिसर्च स्कूल, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और हमारा आइडिया ऑफ जेएनयू है कि वो सवाल नहीं जवाब ढूंढता है, वो जवाब देगा। जहां पर ये सरकारें लड़खड़ाएंगी, जहां पर ये देश लड़खड़ाएगा, तो जवाब जेएनयू से आएगा। ये है हमारा जेएनयू का आइडिया। जेएनयू जो आपके पोस्टर बॉय बेगूसराय से आते हैं, जिन पर खुद फाइन होता है एक लड़की के साथ बदतमीजी करने का, उन पर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं आता है, और आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। पर दोस्तों, जेएनयू में एबीवीपी एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ आता है। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम स्टूडेंट यूनियन में जीत कराएंगे, तो हम इस कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करेंगे। वो वर्कशॉप्स जो सिर्फ एसी कमरों में होती है, उन्हें हम उन कमरों से निकालकर इस जमीन पर लाएंगे। जैसे पिछले साल 8 मार्च को हमने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करी थी, जिसमें छात्राएं, छात्र और जेएनयू के वर्कर्स सब थे। उस सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। तुम चुप रहते हो जब जेएनयू के एक सैनिटेशन वर्कर को दूसरा सैनिटेशन वर्कर घोप, एक चाकू घोप देता है, और तुम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हो। हम बात करते हैं कि गर्ल्स के लिए एक सिंगल सीटर हॉस्टल बनाएंगे इस कैंपस में। अगर इतने ही जेंडर जस्टिस की बात करने वाले हो, तो गर्ल्स के लिए सिंगल सीटर हॉस्टल अभी तक क्यों नहीं है। हम ये भी बात करते हैं, जो आजकल इनका प्लेजरिज्म का काम चल रहा है, पहले तो ये मैनिफेस्टो कट कॉपी पेस्ट करते थे, आज ये अचीवमेंट्स भी कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा से आती हूँ, जहां रिवॉल्यूशन की लड़ाई एबीवीपी कोर्ट तक ले गई, और वहां लेफ्ट ने क्या किया, हमारी अचीवमेंट है सीजीपीए रोल बैक। हम ये वादा करते हैं, हम ये वादा करते हैं कि अगर हम यूनियन में इलेक्ट होते आते हैं, जो ये तुगलकी फरमान इस जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया है कि 45% पासिंग क्राइटेरिया होगा, इसको वापस करेंगे। हम ये भी वादा करते हैं कि हम हेल्थ सेक्टर की सर्विसेज को अपग्रेड करेंगे।